ओके एग्जाम्पल नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट हुआ था ना कल सिर्फ, ठीक है। आवाज नहीं, सेकंड पार्ट देखिए। क्या निकालना हमें सेकंड पार्ट में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। लेक्चर सुन लिया पिछला, शाबाश। देखो अब ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा एबीसी जो सेट है उनको उठा लीजिए एक बार, इधर देखो बी इंटरसेक्शन सी के साथ ए की क्रॉस, ए ए और डी है इसमें सिर्फ, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी इनकी क्रॉस करनी है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। क्रॉस कैसे होगा, ए बी ए सी, ए बी ए सी, डी बी और डी सी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है ना। राइट हैंड साइड कैसे करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए बी, ए में है ए और डी, बी सी ई, ए क्रॉस बी निकालिए, कितने एलिमेंट आएंगे, ए बी ए सी ए ई डी बी डी सी डी ई, क्लियर है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, दूसरा ए क्रॉस सी, ए और सी, ए और डी, सी कितना है भाई, बी सी एफ, ए क्रॉस सी क्या क्या आएगा, ए क्रॉस सी में सोचिए जरा, यस ए बी ए सी ए एफ डी बी डी सी डी एफ, और दोनों में क्या चाहिए, जरा क्वेश्चन देखिए, क्या दोनों की इंटरसेक्शन नहीं चाहिए राइट में, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में, तो बताइएगा जरा,
एक तो ए बी कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, डी बी कॉमन आ रहा है, एनी डाउट? क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गए या नहीं, बताओ भाई? हो गए पक्का? चलिए अब प्रूव करना है हमें इसका थर्ड पार्ट, फिर आगे चलेंगे। थर्ड पार्ट के लिए सेट तो सेम रहेंगे ये एबीसी, स्टेटमेंट हम देख लेते हैं एक बार क्या है थर्ड की। देखें थर्ड में है ए क्रॉस बी माइनस सी, मुझे प्रूव करना है ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस, चले भाई प्रूव करने। देखिए कैसे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, जो बच्चे जिन्हों कल एब्सेंट थे वो इसका फर्स्ट लेक्चर जरूर सुन ले, ठीक है, तभी समझ आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कल ही समझाया था आपने, सुना बेटा फर्स्ट लेक्चर इसका? आपने भी नहीं सुना? और कल एब्सेंट कौन था, सुन लिया था? और था क्या यहां से कोई ग्रुप में ऐड तो है? कौन से में ऐड है तुम? अभी तक ऐड ही नहीं है। ए खराब हो रहे होंगे जनरेटर पे, मेरे को ऐसा लग रहा है। ए में क्या है, ए इंटू डी, बी माइनस सी बता सकते हो? बी में से सी के साथ जो कॉमन हटा दो, सिर्फ ई, सिर्फ ई। एफ कौन बोल रहा था, बोलो बोलो, किसको कंफ्यूजन थी ना इसका मतलब, एफ क्यों आएगा? ये देखो बी माइनस सी में एलिमेंट तो बी के आएंगे ना, एलिमेंट तो सिर्फ बी के आएंगे, सी अपने कॉमन हटा लेगा, कॉमन कौन कौन है, ई आएगा सिर्फ। अब इनकी क्या कीजिएगा, बंद करवा ही देता हूं यार। अरे रमेश, रमेश रमेश रमेश, अगर दिक्कत कर रहा है तो बंद कर दे यार, लाइट तो नहीं आई क्यों, बीच में ज्यादा वो कर रहा है। हाँ अच्छा, पैसे दे देता हूँ, मंगवा लो। हाँ 20 तक का है, 6:20 पे आ जाएगी, अगर ना हो ना तो बता दियो, मंगवा लेंगे। ध्रुव वाली बात ठीक थी, तेल नहीं डाल रखा था उस चक्कर में, कर जनरेटर में तेल नहीं डाला होता, अभी डाला उसने, बाइक में पेट्रोल डलता है और डीजल डलता है उसमें। वाह अच्छा ठीक, ए माइनस करना इनका क्या आएगा भाई, ए डी, बस बस राइट हैंड साइड में सोचो, पहले ए क्रॉस बी, पिछले में ही था। अरे ये देखो, ये तो हम पिछले से उठाएंगे,
इतना दो। वाह बेटा, ये किसका निकला? अच्छा आवाज नहीं बेटा, लो भाई ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हो गया, तो हमने यहीं से निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इनकी सब्ट्रैक्शन निकालिए जरा। ए क्रॉस बी माइनस, अब ये सेट इसमें से माइनस होगा तो अपने कॉमन एलिमेंट हटा देगा। कौन कौन से कॉमन है? ए बी, ए सी, डी बी, डी सी। बचेंगे क्या क्या? क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट में भी यही थे? हेंस यस और नो, हो गया प्रूव? हाँ देख लो आराम से, बस सब्ट्रैक्शन ही किए। स्कूल्स में कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ अभी? नाइन एपी। कौन सा स्कूल है? शाबाश। सीक्वेंस सीरीज तो पहला चैप्टर तो एपी जैसा ही है, समझ आना जी। फर्स्ट चैप्टर किस किस के स्टार्ट हुआ है? सभी के फर्स्ट। चलो क्या मैं एग्जांपल नंबर 10 पे चलूं? यार एक चीज ध्यान रखना, अब किसी की आवाज आ गई ना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, बहुत हो गया। आपको पता है सेट आपके सामने है, जो प्रूव करना है वो आपके सामने है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी ए बी 1 2 3 2 3 4। ए क्रॉस बी में क्या क्या आएंगे? 1 सभी के साथ जाएगा, 1 2 1 3 1 4, 2 2 2 3 2 4, 3 2 3 3 3 4। क्लियर है? इसके बाद इसी साइड के लिए क्या निकालना है? सी क्रॉस डी सभी करना है। हेलो लिखना है साथ साथ सी 1 3 4 2 4 5 सी क्रॉस डी क्या क्या आएंगे? 1 2 1 4 1 5 3 2 3 4 3 5 4 2 4 4 4 5। क्लियर? अभी मुझे इनकी इंटरसेक्शन चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट नहीं हुई है, उसके लिए इंटरसेक्शन कॉमन क्या क्या है भाई? देखो 1 2 1 4, एक सेकेंड, 3 2, बस और कुछ भी है क्या? 1 2 1 4 3 2 3 4। बच्चों फटाफट सेकंड वाला और निकाल दो। ऐसे ही सेकेंड वाला इजी होगा क्योंकि पहले इंटरसेक्शन आ गई ना, पहले कॉमन निकल आएंगे, ठीक है? और क्रॉस एक ही बार करनी है। जिनका हो गया वो अगले एग्जांपल के लिए सोच सकते हैं। 11वां भी
ये 10वां लास्ट है, 11वां लास्ट है, अब ये एक और होगा। अच्छा पहले ये बनाओ, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या आएगा, वन और थ्री, ए सी में वन और थ्री है, ठीक है, बी डी में क्या आएगा बेटा, टू और, अब इनकी क्या कर दो, वन टू, वन फोर, थ्री टू, थ्री फोर, क्या इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, हैंस प्रूव्ड। मुश्किल था क्या यार, कुछ भी नहीं है, इजी। ये देखो 11th क्या कह रहा है, ए क्रॉस ए हैज नाइन एलिमेंट, नाइन है तो तीन तीन हो सकते हैं दोनों में, थ्री इंटू थ्री नाइन होता है, इसके अलावा किन्हीं का भी प्रोडक्ट नाइन होता है भाई, नाइन इंटू वन का होता है, लेकिन सेट सेम है, दोनों में अलग अलग नंबर नहीं हो सकते, सेट सेम है, एलिमेंट सेम होंगे इसमें भी, ए ए, ठीक है, और इसके अंदर ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट मिले हैं ना, वो ये दो तो मिल गए, बाकी निकालने हैं, मैं पूरी एक रो से ही निकाल दूंगा, बस मेरे को एक बार ए के एलिमेंट पता लग जाए कौन कौन से हैं। आप ये बताइए, पहला एलिमेंट है, पहले सेट से आया होगा, एक तो आ गया इसमें माइनस वन, ये भी पहला एलिमेंट है, पहले सेट से आया होगा, जीरो, इधर देखो दूसरा एलिमेंट है, जीरो, और अब एक बात बताओ, हमें पता है दोनों सेट सेम और थ्री इंटू थ्री नाइन टोटल एलिमेंट, तो क्या दोनों सेट में सेम एलिमेंट नहीं होंगे, तो उसका एक पता लग गया और उधर से इसका एक पता लग गया, उसमें क्या होगा, और उसमें क्या होगा, यस और नो, एनी डाउट, पक्का, अब एक रो से निकाल दो, हाँ सोचो सोचो भाई, सेट तो सेम है ना, जो इसमें मिलेंगे वही इसमें मिलेंगे, अब इसमें इस दो ऑर्डर्ड पेयर से मुझे पता लग गया कि ए में एक तो माइनस वन है, एक जीरो है, और इधर भी ए ही है, उसमें जीरो और वन है, तो तीन तीन एलिमेंट है दोनों ए में, मतलब ए में तीन एलिमेंट है, तो माइनस वन, जीरो और वन, अब एक रो से निकाल दो, नो नो के नो, माइनस वन माइनस वन, माइनस वन जीरो, माइनस वन वन, जीरो माइनस वन, जीरो जीरो, जीरो वन, वन माइनस वन, वन जीरो, वन वन, क्लियर है, बताइए समझ आया नहीं आया, एनी डाउट, पक्का हो जाएगा, नेक्स्ट आगे देखिए, आगे देखो भाई, अरे रुक जाओ, होमवर्क में कंप्लीट कर लाएंगे, अब देखो भाई इसके कुछ रिजल्ट जो मैंने कहा था वो थ्योरम के रिजल्ट बता दूंगा मैं, फिर कभी क्यों, आज क्या है पता है, लेकिन एक बार मेरी तरफ से तो मैं फ्री हो जाऊं कि मैंने ये चीजें बताई हैं, रिजल्ट देख लो, इजी है बहुत, क्या बस एक बार थ्योरम के रिजल्ट देखना, है इजी इजी यार, कुछ भी नहीं है वैसे तो,
ना रहने दो, एक बार आगे ही चलते हैं। सही बोल रहे हैं, फिर बता दूंगा रिजल्ट ही है। फिलहाल उनका कोई यूज नहीं जो हमने प्रूव किए हैं। हो गया? अच्छा ओके। टॉपिक है आपका रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनिए भाई, रिलेशन होता क्या है, ध्यान से देख लो। पहले मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। एक बात सुनिए, ए के अंदर एक सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3 है। बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर 1, 4, 9 है। अभी समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। आप ए क्रॉस बी निकालो, ए बी 1, 2, 3, 1, 4, 9। ए क्रॉस बी में 1, 1, 1, 4, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 9। ओके, यहां पर कार्टेशियन में हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर में जाएगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। बट अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं यहां पे। रिलेशन है क्या, एक कंडीशन लगा देना कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट पे, कोई एक स्पेशल कंडीशन के अंडर ऑर्डर्ड पेयर को लिखना। फॉर एग्जाम्पल समझो, आर बी ए रिलेशन जिसमें एक्स वाई आएंगे। ध्यान से देखिए, आर कोई रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, उसके बाद लिखवाऊंगा इसकी डेफिनेशन। जिसमें एक्स वाई आएंगे, नहीं आएगी वहां तक, नहीं आएगी, घबराओ मत। एक्स वाई आएंगे, जो y है x स्क्वेयर के बराबर होगा, सच दैट x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से। प्राची बता सकती है कौन सा एलिमेंट अब किसके साथ रिलेशन में जाएगा? ओके, पहले मैं समझाता हूं, ध्यान से सुन। मतलब R एक रिलेशन है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन में आए, ये इस टाइप के आएंगे। हाँ, अगर इसकी बात करें तो इसमें तो सारे आ गए ना, 1, 1, 1, 4, 1, 9 हो गया, 2, 1 हो गया। बट अब इसमें वो स्पेशल एक्स वाई आएंगे। कंडीशन है कि जो ये वाई होगा ना, वो x का स्क्वेयर होगा। जो y होगा वो क्या होगा, x का स्क्वेयर होगा, जो सेकंड वाला है। तो उस केस में कौन कौन एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, कौन कौन से? देखो, 1, 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वेयर, y यहां के एलिमेंट है और x यहां के एलिमेंट है। ध्यान से देख लो, डिफाइन है
एक्स ए के एलिमेंट है और वाई बी के एलिमेंट है, तो वन वन जाएगा, सेकेंड टू फोर के साथ और थ्री नाइन के साथ, यस और नो, क्लियर है? मतलब रिलेशन क्या है? रिलेशन एक कंडीशन है जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स पे लगा दी है, दो सेट के एलिमेंट पे लगा दी है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही दोनों सेट के एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे, यानी रिलेटेड होंगे और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उसी कंडीशन के अंडर। जैसे यहां पे स्क्वायर के अंडर था कि सेकंड वाला फर्स्ट के उस सेट से एलिमेंट से रिलेटेड होगा जिसका वो स्क्वायर है, यानी वन रखो एक्स को, वन का स्क्वायर वन, एक्स को टू रखूंगा टू का स्क्वायर वाई फोर आएगा, एक्स को थ्री रखूंगा थ्री का स्क्वायर वाई नाइन आएगा, तो सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड होंगे। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। इसी में मैं बात करूं, ध्यान से देखना, ये मान लेते हैं आर वन रिलेशन, ये तो आर वन हो गया, आर वन मतलब एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, इसी पे मैं एक दूसरा रिलेशन डिफाइन करता हूं इसी सेट पे, जरा देखिएगा। अच्छा, ये बता सकते हो कि इस रिलेशन में जो R1 की ऊपर वाली फॉर्म लिखी है वो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है रिलेशन की, और जो नीचे वाली फॉर्म है वो रिलेशन की रोस्टर फॉर्म है। अभी देखिए कमाल की बात आने वाली है, धीरे धीरे एक और रिलेशन बना रहा हूं R2, इन्हीं सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया, एक्स वाई आएंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस रिलेशन के एलिमेंट्स को बना पाते हैं। रुक जाओ, एक्स वाई आएंगे जिसमें जो वाई होगा वो ग्रेटर होगा एक्स से, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, जरा बनाइएगा इसकी रोस्टर फॉर्म में कौन कौन आएंगे। वन वन को एक ही बार में छोड़ गए, सिर्फ वन फोर शाबाश, टू फोर टू नाइन, और समझ आया क्या कंडीशन थी कि सेकंड वाला जो लिखो वो फर्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए, तो वन से बड़े जो भी है वन उनके साथ रिलेशन बनाएगा, वन फोर के साथ, वन नाइन के साथ, टू उनके साथ रिलेशन बनाएगा जो टू से बड़े हैं, टू फोर के साथ, टू नाइन के साथ, थ्री भी वही काम करेगा, ठीक है? बड़ा बड़े ध्यान से सुनना, एक ज्ञान की बात बता रहा हूं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको नाम दिया जा सकता है, बट कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ निभाए जाते हैं, जिनका कोई नाम नहीं होता, बिल्कुल, जिनको सिर्फ निभाया जाता है। अब मैं उन रिश्तों की बात करूंगा अगले एग्जांपल, मतलब इसी के इसी सेट तो यही रहेंगे, अब मैं उन रिश्तों की बात करूंगा जिनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। नाम से मेरा मतलब क्या है, इस बात से कैसे समझो, नाम से जैसे यहां पे स्क्वायर का रिश्ता हो गया, नाम है ना कि वाई जो है वो एक्स का स्क्वायर होना चाहिए, दूसरे में रिश्ता है ना ग्रेटर देन का रिश्ता हो गया कि वाई जो है वो एक्स से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन वो रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है वो देखिए, लेकिन ऐसे बहुत है तेरे यार, सोच दोस्ती का नहीं हुआ ना, इसको दोस्त तो मानता ही नहीं, इसकी चुगलियां करता है, एक्स वाई
सुनो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, x बिलोंग कर रहा है सेट ए से, y बिलोंग कर रहा है सेट बी से, सच दैट सिर्फ ये लिख दिया इन्होंने कि वन रिलेटेड है नाइन से एंड टू रिलेटेड है फोर से, दैट्स इट। कंडीशन दे दी, डायरेक्ट रिलेशन में बता दिया कि वन किसके साथ रिलेशन बना रहा है, वन नाइन के साथ और टू, कोई एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि स्क्वेयर है क्यूब है, स्क्वेयर से एक ज्यादा है कम ज्यादा है, ग्रेटर देन लेस देन, कुछ नहीं, सीधा सीधा उसने एक डिफाइन कर दिया कि वन रिलेटेड टू नाइन और टू रिलेटेड टू फोर। तो यहां से अगर इस रिश्ते को लिखूं मैं, रिलेशन को, तो सिर्फ क्या आएंगे, वन एंड नाइन एंड टू एंड, अब आप यहां से एक चीज, अभी मैंने रिलेशन की डेफिनेशन लिखवाई नहीं है आपको, ऑफिशियल डेफिनेशन तो अभी आएगी आगे, पहले इस चीज को समझ तो लेना कि है क्या, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर ऐसे तो हम कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेट करवा सकते हैं, कोई भी दो लिख सकते हैं, ऐसे तो जितने भी एलिमेंट मैं उठाना चाहूं वो सारे उठा के एक रिलेशन बना सकता हूं, बना सकते नहीं बना सकते, बन सकता है रिलेशन, तो सर कितने रिलेशन बन पाएंगे, या आप ये कहो कि इसके जितने भी, आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो R1 के अंदर एलिमेंट है क्या वो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट से है ना, वो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आ रहे हैं, वन वन आ रहे हैं, टू फोर आ रहे हैं, थ्री नाइन आ रहा है, वेट, सेकंड रिलेशन मैंने डिफाइन किया जो इसके अंदर एलिमेंट है वो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है सारे, थर्ड जो मैंने किया क्या वो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यू नहीं लग रहा कि दो सेट पे अगर आप कोई भी रिलेशन डिफाइन करोगे वो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा, सबसेट उसका छोटा सेट होगा, यानी इससे फालतू एलिमेंट तो आपस में रिलेट कर ही नहीं सकते ना, जितने कार्टेशियन में करके वो तो मैक्सिमम हो गए, सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट से रिलेट करके उससे फालतू तो कुछ होगा ही नहीं, जितने छोटे छोटे आपके रिलेशन बनेंगे क्या वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट नहीं होंगे। अभी इसी बात को मैं रिवर्स ऑर्डर में बोलूंगा, पहले इसको सीधा बोलता हूं जो अभी बोला था कि जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, अब इसको यूं बोल सकता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, वो एक रिलेशन को डिफाइन करेगा, कोई भी सबसेट उठा लो, जैसे इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखना एक सेकेंड, इनको नीचे कर देते हैं, जैसे मैंने एक, हाँ जी क्या, हाँ तो वही लिख रहा हूं ना, देख एक रिलेशन आ गया जिसमें टू फोर है, ठीक है आ गया समझ, ये इसका सबसेट है ना। आप ये पूछोगे कि क्या ये एक रिलेशन है, मैं बिल्कुल रिलेशन है, बोले कंडीशन क्या है, कंडीशन है ना इसमें एक्स वाई आएंगे सच दैट टू रिलेट करेगा किससे, फोर से, टू बिलोंग कर रहा है मतलब, या एक्स, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से एंड वाई बिलोंग कर रहा है बी से, एंड लगा दिया ना, टू रिलेटेड टू फोर, सिर्फ टू फोर से रिलेट रिलेशन में जाएगा, यस और नो। तो यानी कि जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे वो सारे एक तरह से एक रिलेशन को डिफाइन, और मैं ये बोलूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद अपने आप में एक रिलेशन है तो ये गलत होगा। रिलेशन क्या है कि वो एक ऐसा सबसे बड़ा रिलेशन हो गया दो सेट पे जिसमें पहले सेट का हर एक एलिमेंट
दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। यानी कार्टिजन प्रोडक्ट खुद एक क्या है, खुद एक रिलेशन है और इसके सारे सबसेट भी रिलेशन है। कुछ को नाम दिया जा सकता है, कुछ को डायरेक्ट रिलेटेड करके लिखा जा सकता है। मतलब हर एक रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म लिखना, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हर एक रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है कि वो लिखाई जाए सेट बिल्डर फॉर्म में, पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट एलिमेंट यू रिलेट करवा के भी लिखे जा सकते हैं हर एक में। तो ये तो दो तीन रिलेशन बन गए, दो चार और बना सकते हो, बाकी एग्जैक्ट तो नहीं बन सकते ना सारे, कोई ग्रेटर देन लेस देन या कोई एक पर्टिकुलर सिंबल ही दो आपको, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट नहीं बन सकते, तो कुछ डायरेक्ट रिलेशन में जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो सभी? ठीक है ना। तो इसलिए अब रिलेशन की डेफिनेशन का टाइम आ गया है, लिखो। Let A be any two non-empty sets, then any subset R of A cross B is called a relation from set A to set B। मतलब दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो हर एक जो सबसेट होगा ना, जो भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, उसको क्या बोला जाएगा, रिलेशन बोला जाएगा। ठीक है। हाँ, और दूसरा इसी को यू भी लिख सकते हो, लिखो द आर इज ध्रुव लिख ले रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ, जब वो रिलेशन उनकी कार्टिजन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट होगा। रिलेशन को तीन तरीके से लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता, रोस्टर फॉर्म आपको पता, और एरो डायग्राम आपको पता है। ये एरो डायग्राम ही तो थे, ये जो है, ये रिलेशन जो दिखाया मैंने, एरो डायग्राम ही बोलते हैं इसको। ठीक है, सेट बिल्डर लिखी हुई है, रोस्टर भी डायरेक्ट एलिमेंट, क्या रिलेशन को लिखने के, रोस्टर फॉर्म में लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, ये सेट को लिखने के नाम है। फर्स्ट चैप्टर नहीं किया गया? कर ले भाई। ठीक है, आगे यहां तक समझ, कोई कंफ्यूजन? अरे गजब की चीज आ रही है, हमने सबसेट का फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, टू की पावर, यस टू की पावर एन, एन एन। अब ध्यान से सुनो, अगर किसी सेट ए में पी एलिमेंट है और किसी सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो पहले बताओ उनकी कार्टिजन प्रोडक्ट में कितने होंगे।
पी के ओ होंगे, यस और नो? यही होते हैं ना भाई, अगर इसके अंदर पी एलिमेंट है और इसके अंदर क्यू एलिमेंट है, तो इनकी जो कार्टिजन प्रोडक्ट होगी उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो पी इंटू क्यू, यही होता है। अब आपको पता है कि सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टू की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ गए, कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, पी क्यू एलिमेंट आएंगे, पी क्यू आएंगे ना, और इसके टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है, टू की पावर पी क्यू। तो जित और हमने अभी अभी पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टिजन प्रोडक्ट का सबसेट। तो मैं ये लिख दूं कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने बन जाएंगे, टू की पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और सिलेबस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हो और सिलेबस में भी एक दो नंबर में आएगा ये डायरेक्ट। समझ आ रही है बात कि नंबर ऑफ रिलेशन, दो सेट पे कितने रिलेशन बना सकते हैं हम, कितने, टू की पावर दोनों सेट की कार्टिजन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट है उतना टू की पावर में, या टू की पावर में हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, बताइए जरा, एक सेट में चार एलिमेंट, एक सेकंड बी सेट में आठ एलिमेंट, तो रिलेशन बताओ, टू की पावर, एक में फोर दूसरे में आठ, एट, टू की पावर 32 रिलेशन बन सकते हैं, इतने आपके रिलेशन बनाए जा सकते हैं। क्लियर है, एनी डाउट? एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इतने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, आ गया समझ? ठीक है, अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सुनने में तो आसान लगेगा लेकिन फंक्शन में जब फाइंड आउट करेंगे रेंज और डोमेन को तब देखिएगा। ध्यान से सुनो, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है, सुनिए, समझाने को सबसे आसान है इसको समझाना। दो सेट ए और बी, फर्स्ट सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेकंड में है ए बी सी डी ई, एक रिलेशन है 5D से, 5A से, 3C से, 2BC से, ठीक है,
बस डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है? फर्स्ट किसी भी रिलेशन में पहले सेट के वो एलिमेंट डोमेन में आते हैं जो रिलेशन बना रहे हैं, फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं। कौन कौन से? टू थ्री और यस चूज क्या करने हैं? ये डोमेन में फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट आते हैं जो रिलेशन बना रहे हैं, तो सारे आ जाएंगे, तो वन और फोर भी आ जाते। अभी सिर्फ फर्स्ट सेट के टू थ्री और फाइव बना रहे हैं, इसलिए ये ठीक है। रेंज खुद सोचो, जिसके साथ बना रहे, यानी सेकंड सेट के सारे एलिमेंट जो किसी ना किसी फर्स्ट सेट के एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, जो रिलेशन बना रहे हैं सेकंड सेट के। ए सी डी, हाँ, कि सेकंड सेट के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं फर्स्ट सेट के किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर में। समझ आ रही है बात? यस और नो? ठीक है। अच्छा, एक और है, कोडोमेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? नहीं, कोडोमेन सेकंड सेट के, ध्यान से, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट चाहे वो रिलेशन बना रहे हो या ना बना रहे हो। ये तो मैं समझाने के हिसाब से, अभी इनकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा प्रॉपर वे से। पहले चीजों को समझ लो ना, तो लिखने में आसानी होती है। कोडोमेन सेकंड सेट के वो सारे एलिमेंट जो क्या कर रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं, सॉरी, सारे आ जाएंगे चाहे वो बनाए चाहे ना बनाए। सेकंड सेट के कौन कौन से? ए बी सी डी ई। यस और नो? यस। एक बार सभी बोलेंगे, डोमेन फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं, रेंज सेकंड सेट के सारे एलिमेंट जो सिर्फ रिलेशन, और कोडोमेन में सेकंड सेट के, फर्स्ट के नहीं, सेकंड सेट के सारे एलिमेंट। आइए अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाता हूं डोमेन की। ये देखो, डोमेन ऑफ आर, भाई कोई भी दो सेट है ए से बी, एक रिलेशन डिफाइन है, एक रिलेशन डिफाइन है, कहां से कहां? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना सेकंड चैप्टर के रेंज डोमेन वाले क्वेश्चन में बच्चे प्लस वन कर जाते हैं, फिर भी अटके रहते हैं। और रेंज डोमेन का क्वेश्चन ऐसा है, हर एंट्रेंस में पूछा जाएगा, चाहे आपका डीयू का हो, पीयू का हो, हर एंट्रेंस में इसका क्वेश्चन आता था। ठीक है, हाँ, और एनडीए में तो है ही है, रेंज डोमेन के बिना तो बनता ही नहीं। सिलेबस में भी जब फाइनल पेपर आपका बनेगा, रेंज डोमेन का क्वेश्चन पक्का आएगा, आप देख लेना। ध्यान से सुनिए अब, डोमेन क्या कह रहा है? अच्छा, ये सिंबल होता है आर, मतलब एक रिलेशन है, दो डॉट, ए एरो बी का मतलब होता है ए से बी सेट पे, ए पहला सेट है, बी, अगर ये एरो बी टू ए होता तो मतलब, बिल्कुल सही। तो डोमेन की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होगी भाई? यहां से इसमें एक्स आएंगे, वो एक्स ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है, सच दैट वो एक्स वाई किस में जाने चाहिए? रिलेशन में जाना चाहिए, फॉर सम वाई बिलोंग्स टू बी। अब इसको समझाता हूं, ध्यान से देखो, इसका कहने का मतलब क्या हुआ?
कि डोमेन में एक्स आएंगे। एक्स क्या है? वो सारे एलिमेंट जो पहले सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब पहले सेट से तो ये भी हो गया वन और फोर, नहीं यही नहीं रुका, आगे कंडीशन लगाई है कि वो किसी वाई के साथ रिलेशन बनाकर किसमें जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए, रिलेशन में। सारे एक्स नहीं लेने जो ए में चले जाए, इसने तीनों कंडीशन के बीच में कोमा और एंड लगाया है। यहां देखो ध्यान से कि एक्स जो ए में जा रहे हैं, पहली बात तो डोमेन में लेने इसके सेट, इस सेट के एलिमेंट है कौन से जो किसी वाई के साथ रिलेटेड होकर रिलेशन में जाए, यानी फॉर सम वाई, इसका वाई इसका एलिमेंट हो गया ना कोई, ठीक है, किसी इसके एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहे हो, सिर्फ वो एलिमेंट। ये डेफिनेशन है डोमेन की। अब अच्छे से समझ आ गई क्योंकि पहले आपको वो चीज समझ आ चुकी है एग्जाम्पल के थ्रू, समझ आ रही है बात। इसी तरह से रेंज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, खुद सोचो। रेंज में क्या आएंगे? वाई आएंगे, बिल्कुल। वाई कहां से बिलोंग करना चाहिए? सच दैट किसी एक्स के साथ उसका रिलेशन होकर वो किस में जाए, रिलेटेड होके सेट में जाएगा फॉर सम। शाबाश। और कोडोमेन की बात करें, सारे वाय जो कहां से जा रहे हैं यही खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता वो रिलेशन बना रहा है नहीं बना रहा, कोडोमेन में तो सारे आ जाएंगे एलिमेंट। समझ आ रहा है इसी का? पक्का? इधर किंग ऋत्विक सच बोल रहा है, देव गर्व ओके। देखो अब कोई बात नहीं, एक एक बात सुन लो, सुन लीजिए। आपका अगला पेज जो नहीं करवा रहा आगे, 2.13 देखिए, 2.13 पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कल का पहला टॉपिक रहेगा। और इन टाइप्स पे प्लस वन पे तो बनता ही बनता है, प्लस टू के बोर्ड्स में 6 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है इन टाइप से, 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे। ये जो लास्ट के 3 रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हेलो, कल का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा, समझ आ गई बात। किसी भी हालात में कल एबसेंट नहीं होना आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है कल का। अच्छा, आज का होमवर्क पता लग गया ना, वो 0.1 कंप्लीट।